Anita Patel from Capital Models. Mitro, आज हम सेवन स्टैंडर्ड में पार्ट थ्री सब्जेक्ट गुजराती तो उसमें यूनिट टू मात्रा की हम पढ़ाई करेंगे। तो पहले हमें पार्ट वन और पार्ट टू में अ आ ई की उ यहाँ तक इन स्वरों की हमने पढ़ाई की थी। तो आज हम यहाँ से उ ए ऐ ओ इनकी आज हम पढ़ाई करेंगे। तो ये उ यानी कि रिजो ए की एक मात्रा है, ए की दो मात्रा होती है और ओ कन और एक मात्रा। तो इसकी आज हम पढ़ाई करते हैं। तो मित्रों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 निकालना है। तो उसमें ऊनी मात्रा यानी कि दीर्घ उ, तो ये क्या है ऊ बराबर दीर्घ उ, ऊ प्लस न बराबर क्या बनता है ऊन, क्या बनता है ऊन, स प्लस दीर्घ उ प्लस र प्लस ज बराबर क्या बनता है सूरज, क्या बनता है सूरज। ये पिक्चर किसका है तो ये सूरज है। ब प्लस दीर्घ उ प्लस त बराबर क्या बनता है, क्या है तो ये बूट है, क्या है बूट। अब नेक्स्ट फ प्लस दीर्घ उ प्लस ल बराबर ये क्या है तो ये फूल, क्या है ये फूल। तो इस तरह ये सभी शब्द आपको दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाचो अने लखो। अब नेक्स्ट वाचो अने लखो, लेट्स रीड एंड राइट। तो कू खू आपको भी मेरे साथ बोलना है, गु गु चू चू छू जू जू टू ठू डू डू। तो आपको ये पहले बोलना है और बाद में लिखना है। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है, मेरे साथ लिखिए। इस तरह आपको ये जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको लिखना है, क्या करना है लिखना है। तो इस तरह आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट अणु टू ठू डू डू नू पू फू बू भू मू यू। अब आपको मेरे साथ ये लिखना है, क्या करना है लिखना है, ऐसे आपको मेरे साथ लिखना है। धू नू पू फू बू बू मू यू। अब नेक्स्ट रू आपको भी मेरे साथ बोलना है, लू वु शू 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 हु अणु क्षु ग्यू। तो आपको ये अब मेरे साथ लिखना है, इस तरह आपको मेरे साथ लिखना है। अब नेक्स्ट क्रॉस माथी साचा अक्षर नो उपयोग करी खाली जग्या पूरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ये क्या है तो छू ब्लैंक, तो ट और ब है तो उसमें से क्या आएगा ट आंसर यानी कि छू ट। यहाँ क्या है जू प्लस ब्लैंक तो ल प्लस व ऑप्शन में है तो आंसर में क्या आएगा ल यानी क्या शब्द बनेगा जू ल। अब नेक्स्ट ब्लैंक ई जू और जू तो क्या बनेगा शब्द जूई, तो ये आपको यहाँ अंडरलाइन करनी है। अब नेक्स्ट ब्लैंक जा पूसु तो यहाँ क्या बनेगा शब्द पूजा, क्या बनेगा पूजा। फाइव फाइव में ब्लैंक अण तो यहाँ क्या बनेगा शब्द दूड़, क्या बनेगा दूड़। अब सिक्स ब्लैंक डी चू और छू तो क्या बनेगा चूड़ी, क्या शब्द बनेगा चूड़ी। अब नेक्स्ट वाचो अने लखो, लेट्स रीड एंड राइट। तो यहाँ आपको पहले मेरे साथ बोलना है, बूट चूड़ी सूडी डूढ़ी डूढ़ बूढ़ा भूल शूर
फूल, शूतर, खजूर, पुतड़ी, पूनम, नूतन, डुबड़ी, मढूली, खेडूत, शूरण, सूरज, सीरोपुरी, सूरदास, कबूतर, तरबूज, फूलदान, मुदमा। तो मित्रों, अब आपको मेरे साथ आपको लिखना है। तो पहला क्या है? बूट। तो आपको यहाँ मेरे साथ लिखना है। इस तरह आपको ये सभी शब्द जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको लिखना है। सेम देखकर लिखना है। तो इस तरह ये सभी शब्द आपको लिखना है। बाकी जो ये शब्द दिए गए हैं वो शब्द आपको खुद से घर से देखकर लिख देना है। अब नेक्स्ट, ए। क्या है ए? तो ए की एक मात्रा होती है। क्या? ए की एक मात्रा होती है। तो ए बराबर एक मात्रा। ख प्लस एक मात्रा प्लस ल बराबर क्या बनेगा शब्द? खेल। र प्लस मात्रा प्लस ल बराबर क्या बनेगा शब्द? रेल। अ प्लस मात्रा प्लस र प्लस अण बराबर क्या बनेगा शब्द? एरण। क प्लस मात्रा प्लस र प्लस और बराबर क्या बनेगा शब्द? कैरी। म प्लस मात्रा प्लस ज प्लस बराबर क्या बनेगा शब्द? मेज। तो आपको ये सभी शब्द इस तरह दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाँचो और लखो। तो लेट्स रीड एंड राइट। तो पहले आपको मेरे साथ बोलना है। क्या करना है? बोलना है। तो पहला कौन सा है? के। क्या है? के। खे, गे, गे, चे, छे, जे, जे, टे, ठे, डे, दे। अब नेक्स्ट, अणे। ते, ठे, डे, दे, ने, पे, फे, बे, वे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, 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 हे, अणे, क्षे, गे। तो इस तरह आपको पहले बोलना है यानी कि पढ़ना है और लिखना है। चलो अब लिखते हैं। के, खे, गे, गे, चे, छे, जे, जे, टे, ठे, डे और दे। जैसे ही मैंने पहली लाइन में लिखा है वैसे ही आपको ये दो लाइन जो ब्लैंक दी गई है उसमें आपको खुद से ही लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रॉस माथी साचा अक्षर नो उपयोग करी खाली जगह पूरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें देखते हैं फर्स्ट, धे ब्लैंक तो क्या बनेगी? धेल। जे ब्लैंक तो क्या बनेगा? जेल। ब्लैंक न तो क्या बनेगा? घेन। क्या बनेगा? घेन। ब्लैंक र बराबर क्या बनेगा? झेर। अब नेक्स्ट फाइव, ब्लैंक ल बराबर क्या बनेगा? तेल। क्या बनेगा? तेल। ब्लैंक टी बराबर क्या बनेगा शब्द? खेती। वाचो अने लखो, लेट्स रीड एंड राइट। तो यहाँ आपको बोलना है पहले मेरे साथ, बाद में आपको लिखना है। तो बोलिए पहले, मेज, वेल, थैली, पेन, ढेर। अब आपको मेरे साथ लिखना है। मेज, वेल, थैली, पेन, ढेर, मेज। इस तरह आपको ये तीनों लाइन दी गई है तो ये तीनों लाइन में आपको ऐसे ही सेम देखकर लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ भी क्या दिया गया है? यहाँ भी ये ब्लैंक शब्द, ब्लैंक जो जगह दी गई है उसमें ये शब्द आपको लिखना है। देर, देर। इस तरह आपको ये चारों लाइन ब्लैंक दी गई है उसमें आपके सारे शब्द इस तरह लिखना है। तो ये कौन सा शब्द है आपको भी मेरे साथ बोलना है? देव, रेत, दिखाओ,
केयूर, चेतक, खेतर, लेखक, जलेबी, टेबल, पेपर, केसर, नेतर, हवेली, राकेश, पहली, दिनेश, सुरेश, मुकेश, हमारे। तो आपको ये जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको ये शब्द लिख देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऐ। ऐ की दो मात्रा होती है, कितनी? दो। तो यहाँ ऐ बराबर दो मात्रा, अ प्लस दो मात्रा प्लस र प्लस मात्रा प्लस व प्लस त बराबर एरावत, प प्लस दो मात्रा प्लस स प्लस कनो प्लस बराबर क्या बनेगा शब्द? पैसा। क्या बनेगा? पैसा। अब नेक्स्ट ये क्या है? तो भ प्लस दो मात्रा प्लस य प्लस कनो बराबर भैया। क्या बनेगा शब्द? भैया। न प्लस दो मात्रा प्लस य प्लस कनो बराबर क्या बनेगा शब्द? नैया। तो इसी तरह ये सभी शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाचो अने लखो। तो लेट्स रीड एंड राइट। तो आपको पहले मेरे साथ बोलना है, कई, खई, गई, गई, चई, छई, जय, जय, तय, ठय, डय, डय। तो आपको अब मेरे साथ लिखना है। तो इस तरह जैसे मैं लिखती हूँ वैसे ही आपको जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है इसमें आपको लिखना है। इस तरह आपको मेरे साथ लिखना है। जैसे ही यहाँ दो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें ही आपको ये देखकर सेम लिख देना है। अब नेक्स्ट, क्रॉस माथी साचा अक्षर नो उपयोग करी खाली जगह पूरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहले जे ब्लैंक, तो क्या सही शब्द बनेगा? न, यानी कि जे न। सेकंड, छई ब्लैंक, तो या प्लस रा है तो यहाँ छैया। क्या बनेगा शब्द? छैया। ब्लैंक सा, तो क्या बनेगा शब्द? पैसा। ब्लैंक में बराबर ब्लैंक, तो क्या बनेगा? मैया। ब्लैंक या, तो क्या बनेगा शब्द? नैया। अब नेक्स्ट, ब्लैंक या बराबर क्या बनेगा? भैया। वाचो अने लखो, लेट्स रीड एंड राइट। तो पहले आपको ये शब्द मेरे साथ बोलना है, वेध, नैया, चेन, शेल, कैशा। अब आपको मेरे साथ ये लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो पहला शब्द है वेद, नैया, चेन, शेल, कैशा। अब नेक्स्ट, शेर, चैत्र, खेर, रवैया, सैनिक। तो ये सारे शब्द जो आपको यहाँ दिए गए हैं वो जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको देखकर सेम लिखना है। अब नेक्स्ट, ओ, ओनी मात्रा, यानी कि ओ की कानो और एक मात्रा, ये यो की मात्रा है। तो ओ बराबर कानो एक मात्रा, क्या है? कानो और एक मात्रा। तो म प्लस कानो एक मात्रा प्लस र बराबर क्या बनेगा? ये मोर। क्या बनेगा? मोर। घ प्लस कानो एक मात्रा प्लस द प्लस कानो एक मात्रा, तो क्या बनेगा शब्द? घोड़ो। क्या बनेगा शब्द? घोड़ो। अब नेक्स्ट, ल प्लस कानो एक मात्रा प्लस त प्लस कानो एक मात्रा बराबर क्या बनेगा शब्द? लोटो। क्या बनेगा? लोटो। तो यहाँ ये सभी सारे शब्द इस तरह दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाचो अने लखो, लेट्स रीड एंड राइट। तो आपको पहले मेरे साथ बोलना है, को, खो, घो, घो, चो, छो, जो, जो, टो, ठो, डो, ढो। तो इस तरह आपको पहले मेरे साथ बोलना है और बाद में लिखना है। तो अब लिखिए, को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, जो, टो, ठो, डो और ढो। तो इस तरह ये जो डोलो लाइन में है तो इस तरह इसमें आपने वो लिखना है। अब नेक्स्ट, क्रॉस माथी साचा अक्षर नो उपयोग करी खाली जगह पूरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला है सो ब्लैंक, तो क्या बनेगा शब्द? सोनू। सेकंड,
सेकंड में क्या है, शो ब्लैंक, तो क्या बनेगा शब्द, सो क। थर्ड ब्लैंक क बराबर क्या बनेगा शब्द, नो क। अब नेक्स्ट ब्लैंक स बराबर क्या बनेगा शब्द, जो स। ब्लैंक ल बराबर क्या बनेगा शब्द, मोल। सिक्स ब्लैंक डो बराबर क्या बनेगा शब्द, घड़ो। अब नेक्स्ट वाचो और लखो, लेट्स रीड एंड राइट। तो पहला शब्द है धोबी, कौन सा है, धोबी। लोटो, ढोल, मोर, वॉट। तो इस तरह आपको ये सभी सारे शब्द जो है यहाँ तक आपको लिख देना है, क्या करना है, लिख देना है। तो आपको होमवर्क में जो उ ए ऐ और ओ की जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको अपनी नोटबुक में घर से लिखनी है। तो मैं आपसे ये आशा व्यक्त करती हूँ कि आपको ये उ ए ऐ ओ की मात्रा में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।